अब एक और क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ में रेट ऑफ चेंज हमें दे रखी है एंड विड्थ में भी रेट ऑफ चेंज हमें दे रखी है। तब हमें उसके एरिया में रेट ऑफ चेंज निकालनी है व्हेन इट्स लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एक्स है एंड विड्थ वाई है। अब इसकी जो लेंथ है वह टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है एंड उसके डिक्रीज होने की रेट दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब यहां आप देखोगे कि यहां हमने लिखा है -5 इसलिए लिखा है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होती है। एंड इसके बाद ये गिवन है कि इसकी विड्थ में रेट ऑफ चेंज 4 सेंटीमीटर पर मिनट है, यानी कि उसकी विड्थ 4 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से इंक्रीज हो रही है। तो हमें गिवन है dy/dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तब हमें dA/dt फाइंड आउट करना है। सो अब इस क्वेश्चन में भी हम यही देखेंगे कि वॉट इज गिवन। गिवन है हमें dx/dt इज इक्वल टू -5 एंड dy/dt इज इक्वल टू 4। एंड हमसे पूछा क्या है dA/dt एट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6। अब सिंस इसमें एक रेक्टेंगल के लेंथ, विड्थ और एरिया की बात हो रही है तो हम उनके बारे में क्या जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। अब आप इसमें देखोगे कि इसकी लेंथ और विड्थ दोनों ही चेंज हो रही है। इसका मतलब यहां हम u/v का फॉर्मूला लगाएंगे। सो dA/dt इज नथिंग, इट विल बी इक्वल टू x dy/dt प्लस y dx/dt, जिससे हमें dA/dt मिल जाएगा 4x-5y। एंड हमें निकालना है dA/dt एट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6 एंड इट विल बी इक्वल टू 2 cm² per minute।